तो चलिए अब हम एक कंसेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विच इज वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और हमें यह चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें एक ये फंक्शन गिवन था और हमें यह चेक करना था कि यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो सिंस इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश यूज हो रहा है इसलिए हम गिवन फंक्शन का एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देन वी गेट 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू y डैश। अब हम y डैश की टर्म्स को एक साइड करेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब जब हम राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जहां हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर को एलसीएम लिया है। अब यदि हम ब्रैकेट के न्यूमरेटर में देखें तो वहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी। अब यदि हम यहां से y डैश की वैल्यू निकालें तो वह मिलेगी माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। एंड ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको रीअरेंज करके हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यदि हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो यह वही है जो कि अभी हमें मिली है। इसका मतलब जो यह गिवन फंक्शन है वह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा।